हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूडी स्टॉप। आज आपके साथ बहुत ही बढ़िया और हेल्दी डोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो हम आज बनाने जा रहे हैं काले चने का डोसा, और इसके साथ हम बनाएंगे मूंगफली और टमाटर की चटनी, जो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस रेसिपी को आप ब्रेकफास्ट में, लंच में या डिनर में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो एक ब्लेंडर जार में डालेंगे हम सोख करे हुए काले चने। इसके साथ इसमें डाल देंगे चावल का आटा। चावल का आटा डोसे को बहुत बढ़िया और कुरकुरा बनाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप सूजी, मोटी बारीक जो भी सूजी आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं। आधा टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 3 से 4 लहसुन की कलियां डालेंगे और 1 हरी मिर्च डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी और इसको हम बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। शुरू में पानी थोड़ा कम डालिएगा और फिर जब ये थोड़ा बारीक हो जाए तब आप इसमें पानी डालकर अच्छे से इसको पीस लीजिएगा। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमको इस बैटर की चाहिए। और अब हम इसको एक बोल में निकाल देंगे और इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो फूल जाए, और बाद में हम इसमें पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। तो जब तक डोसे का बैटर रेस्ट करता है तब तक हम चटनी बना लेते हैं। तो एक पैन में डालेंगे उड़द दाल, चना दाल, ज़ीरा डालेंगे और अब इन तीनों चीज़ों को हम लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर टोस्ट कर लेंगे जब तक इनकी अच्छी से खुशबू नहीं आने लगती और हल्का सा इनका रंग चेंज नहीं हो जाता। तो अब आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी हैं। अब हम इनको ब्लेंडर जार में डाल देंगे और अब उसी पैन में हम डालेंगे मूंगफली। तो ये मूंगफली मैंने पहले से रोस्ट करके रखी हुई थी, तो मैं इसको बस आधा मिनट ही रोस्ट करूँगी। लेकिन अगर आपकी मूंगफलियाँ कच्ची हों तो आप उनको अच्छे से, जब तक वो कुरकुरी नहीं हो जाती तब तक उनको रोस्ट कर लीजिएगा। तो मूंगफली रोस्ट हो चुकी है, अब हम इनको उसी ब्लेंडर जार में डाल देंगे और अब पैन को फिर से स्टोव पर चढ़ाएंगे और इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के आसपास नारियल का तेल, या आप जो चाहें वो तेल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे खूब सारे करी पत्ते, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और इसको 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। साथ में इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने रफली काट लिया था। और अब हम इनको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे या जब तक प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर को भी मैंने रफली काट लिया था और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो जो होल कश्मीरी लाल मिर्च आती हैं उनको मैंने 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगा कर रख दिया था। तो इनका पानी स्क्वीज करके इसमें डाल देंगे, साथ में इसमें नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी गल जाएँ। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसका ढक्कन ढक के इसको हम जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक पकने देंगे। तो अब चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं टमाटर खूब अच्छे से गल चुके हैं। अब स्टोव ऑफ करेंगे और अब हम इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकालेंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। और जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा तो हम उसी ब्लेंडर में इसको ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले मूंगफली और चना दाल, उड़द दाल और ज़ीरा रोस्ट करके डाला था, और इसको हम बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। शुरू में इसमें पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो जो हमने दालें इसमें डाली थी रोस्ट करके वो अच्छे से पीस नहीं पाएंगी। तो पहले इसको बिना पानी के पीसेंगे और जब ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को हम एडजस्ट कर लेंगे। जितनी भी पतली या गाढ़ी हमें चटनी चाहिए उसके हिसाब से इसमें हम पानी डाल के इसको बिल्कुल फाइन ब्लेंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं चटनी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून नारियल का तेल, आप जो चाहें वो तेल यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इसमें हम डालेंगे उड़द दाल, साथ ही में डाल देंगे राई और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब दाल का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे करी पत्ते और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हींग और बस स्टोव ऑफ कर देंगे। तड़का हमारा तैयार है, इसको हम चटनी पर डाल देंगे। तो बहुत ही टेस्टी टोमेटो पीनट चटनी तैयार है डोसे के लिए। अब चलिए हम डोसे का बैटर चेक कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये बैटर काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने इसमें जो सूजी डाली थी उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया काफ़ी। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस बैटर को थोड़ा सा पतला करेंगे। बस जिस तरह का बैटर हम डोसे के लिए तैयार करते हैं सेम उसी कंसिस्टेंसी का बैटर हमको इसका तैयार करना है। तो उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, अब चलिए हम डोसे बना लेते हैं जल्दी से। तो तवे को मैंने गर्म करने के लिए स्टोव पर पहले से ही चढ़ा दिया था और इस पर पानी डालकर मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। और अब हम इस पर हल्का सा ऑयल या घी ब्रश कर देंगे और एक टिश्यू पेपर से इसको क्लीन कर लेंगे। और बस अब हम इस पर डोसे का बैटर स्प्रेड कर देंगे। और जब डोसे का कलर ऊपर से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम इस पर लगाएंगे घी, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, और डोसे को अच्छे से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं डोसा बहुत अच्छे से सिक चुका है, डोसा हमारा तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया डोसा बना है।
और इसको हम सर्व करेंगे अपनी बेहतरीन टोमेटो पीनट चटनी के साथ। तो बहुत ही बढ़िया डोसा बनता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप चने का डोसा खा रहे हैं, और इस चटनी के साथ तो ये डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करिएगा। तो एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।